जंगल का बादशाह भले ही शेर को माना जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अपनी झूठी बादशाहत के दम पर उछलने वाले लायंस भी जंगल के कुछ खतरनाक जानवरों से खौफ खाते हैं। इन्हीं में से एक हिप्पोस भी है। गुस्सा, जिद्दीपन और आक्रामकता से भरपूर हिप्पो एक बड़े जबड़े, नुकीले दांत और बाहुबली शरीर के मालिक होते हैं। हालांकि शिकार करना इनकी प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन अगर गुस्सा हिप्पो के दिमाग पर चढ़ जाए तो ये पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अफ्रीका में हर इनकी आक्रामकता के चलते ही कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी लड़ाइयों से रूबरू कराने वाले हैं जहाँ इस जानवर ने बिना रिंग और रेफरी के भी WWF खेली है। हिप्पो किल्ड लायन। जब भूखे शेरों का एक झुंड रात के अंधेरे में हिप्पो को देखता है तो पूरा झुंड चौकन्ना हो जाता है, मगर हिप्पो को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है और उसको जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन शेर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इतने बड़े मांस के टुकड़े से पूरे झुंड का पेट बहुत ही आसानी से भर सकता है। ऐसे में पूरा झुंड हिप्पो के पास आकर उस पर हमला बोल देता है। हिप्पो पर धीरे धीरे सारे शेर हावी होने लगते हैं और कुछ देर के लिए ऐसा भी लगता है कि हिप्पो मारा जाएगा, लेकिन अचानक एक एक्शन हीरो की तरह हिप्पो फॉर्म में आ जाता है और वो शेर को अपने मुंह में दबोच लेता है। देखने से ही लग रहा है कि जिस प्रेशर से इसने शेर की गर्दन पकड़ी है, पक्का उसकी खोपड़ी चटक गई होगी। फिर मौका मिलते ही ये हिप्पो बिजली की रफ्तार से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हिप्पो के हमले से शेर की हालत अधमरी हो जाती है और शिकार भी उनके हाथ से निकल जाता है। एलिफेंट शॉक्ड हिप्पो। आपको पता ही होगा कि हिप्पोस गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर समय पानी में ही रहते हैं। एक हिप्पो की त्वचा हाथी की तरह ही मोटी होती है। वीडियो में हाथी तालाब के किनारे आते ही एक खतरा मोल ले लेता है। दरअसल हाथी हिप्पो से भरे हुए तालाब में घुसने की गुस्ताखी कर बैठता है, लेकिन अक्सर गुस्से में रहने वाले हिप्पो से आज इन्हें गुस्से का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इनका बिहेवियर हाथी को शॉक कर देता है। दरअसल ये आलसी दिखने वाले हिप्पो तुरंत ही हाथी को रास्ता देने लगते हैं और ये हाथी भी एकदम शान से तालाब के दूसरी तरफ निकल जाता है। लगता है आज हिप्पो अटैकिंग मूड में नहीं है, वरना अब तक तो हिप्पो पूल में हाथी का कीमा बन गया होता। हिप्पो यानी दरियाई घोड़े भले ही शान दिखने वाले जीव हो और मांस ना खाते हो, लेकिन ये जानवर मौका मिलते ही अपने शिकार पर हमला करने में जरा भी नहीं चूकते। फिर भले ही वो इंसान क्यों ना हो, लेकिन ये इंसानों पर हमला तभी करते हैं जब कोई इंसान इनके बहुत करीब आ जाता है और इनको उससे खतरा महसूस होता है, या फिर इनके इलाके में अगर कोई अनचाहा मेहमान घुसने की कोशिश करता है। हमले के लिए ये जानवर अपने भारी भरकम जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको बता दे कि हिप्पो हर साल अफ्रीका में कई लोगों की जान ले लेता है, और वीडियो में भी कुछ ऐसे ही क्लिप्स देखने को मिल रहे हैं जब हिप्पो ने इंसानों पर हमला किया। हिप्पो वर्सेस लायंस। हिप्पो आमतौर पर साइज के मामले में जितने विशालकाय होते हैं, असल में इन जानवरों को उतना ही अधिक आलसी भी माना जाता है, और यही वजह है कि हिप्पोस को हर पल पानी में पड़े रहना ही पसंद होता है। लेकिन इनके इलाके में जब कोई जानवर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ टपकता है तो ऐसे में इनका पारा काफी हाई हो जाता है। ऐसा ही एक मामला यहाँ वीडियो में भी देखने को मिलता है जब तीन शेर इस हिप्पो के इलाके में घुसने की हिमाकत कर बैठते हैं, लेकिन इनकी ये गुस्ताखी हिप्पो को जरा भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद गुस्से में लाल पीला हुआ हिप्पो बिजली की रफ्तार से शेरों की तरफ दौड़ पड़ता है। हालांकि हिप्पो के आक्रामक रूप को देखकर दो शेर तो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक शेर वही रुक जाता है, जिसके ऊपर ये हिप्पो इतना जोरदार हमला करता है कि शेर की सारी हेकड़ी मानो पल भर में ही छूमंतर हो जाती है, जिसके बाद गिरता पड़ता हुआ शेर अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस हिप्पो। अब इस लिस्ट में हम बात करेंगे दो ऐसे खतरनाक जानवरों की जिसमें से एक तो शिकारी है ही, लेकिन दूसरा शिकारी जानवर ना होते हुए भी बेहद खतरनाक माना जाता है। हाथी के अलावा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जिससे भिड़ने में हिप्पो हेजिटेट करता हो। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक शिकारी जानवर क्रोकोडाइल को भी ये अपने आगे कुछ नहीं समझता। अगर गलती से क्रोकोडाइल इससे उलझ पड़े तो फिर मगरमच्छ की खैर नहीं। यहाँ ये क्रोकोडाइल हिप्पोस के चक्रव्यूह में फंस चुका है, लेकिन ये यहाँ शिकार करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा है, क्योंकि हिप्पो के पास क्रोकोडाइल को खत्म करने का कोई कारण ही नहीं है। बस इनका दिमाग फिर गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। खैर, खुशकिस्मती से क्रोकोडाइल हिप्पोस के चंगुल से बच निकलता है और इसकी जान बच जाती है, वरना आज तो भैया शिकारी खुद ही शिकार हो जाता। हिप्पो बाइट्स अ ज़ेब्रा।
आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि शाकाहारी जानवर किसी दूसरे जानवर पर हमला कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला। जिस वक्त ज़ीब्रा का एक झुंड नदी पार कर रहा होता है, तभी अचानक से एक हिप्पो आता है और जोर से ज़ीब्रा को अपने मजबूत जबड़ों से दबोच लेता है। दरअसल हिप्पो को अपनी टेरिटरी में दूसरे जीवों का आना जाना भी रास नहीं आता और वो इसीलिए हमला कर बैठते हैं। यहाँ भी हिप्पो का बाइटिंग फोर्स ज़ीब्रा को बुरी तरह घायल कर देता है। वैसे बता दे कि जानवरों में जब सबसे मजबूत जबड़ों की बात आती है तो इसमें हिप्पो का नाम भी आता है। इस घटना से ये तो साफ हो गया कि आगे से ज़ीब्रा इनके इलाके में घुसने से पहले हजार बार सोचेंगे। हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल वर्सेस वाइल्डबीस्ट। क्रोकोडाइल शिकार के मामले में सबसे क्रूर होते हैं। अगर कोई जानवर इनके हाथों लग गया तो फिर उसका बचपाना तभी मुमकिन होता है जब कोई तीसरा सदस्य इनके बीच आ जाए, लेकिन क्रोकोडाइल के बीच में आने की जरूरत केवल हिप्पो ही कर सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पानी पी रहे विल्डेबीस्ट को क्रोकोडाइल अपने जबड़े में दबोच लिया है। वहाँ से बाकी के विल्डेबीस्ट अब ये मान चुके हैं कि इनके झुंड से आज एक विल्डेबीस्ट कम होने वाला है, लेकिन इस खेल में अभी एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है और ये खिलाड़ी हिप्पो होता है, जो विल्डेबीस्ट के बीच बचाव में उतर आते हैं। अब हिप्पो से डरकर क्रोकोडाइल को अपना शिकार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि क्रोकोडाइल के लिए विल्डेबीस्ट के शिकार से ज्यादा हिप्पो की दुश्मनी भारी पड़ सकती है। हिप्पो चार्जेस अ ट्रेसपासिंग लायन। जिस तरह बाकी जानवरों को खुद को जिंदा रखने के लिए लैंड एंड सॉइल की जरूरत होती है, उसी तरह शेर को भी ये जरूरतें होती है। इस वक्त यहाँ 10 से भी ज्यादा शेर हैं, जो कि अलग अलग उम्र के हैं, और इन खूंखार जानवरों को अपने शिकार की तलाश है, क्योंकि पेट पूजा बहुत जरूरी है और इस वक्त गर्म तापमान की वजह से इनकी प्यास भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, और इसीलिए ये धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ते हैं और अपने पूरे झुंड के साथ नदी के करीब पहुंचते हैं। लेकिन ये पूरा इलाका हिप्पो का है और उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी बाहरी जानवर उनके इलाके में आए। शेरों को इस बात का पता तब चलता है जब पानी पीने आए हुए दो शेरों को अचानक से दुम दबाकर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि दूसरी तरफ से चेतावनी साफ सुनाई दे रही थी, जिसके सामने ये दो शेर भी नहीं टिक पाए। लेकिन शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता, और इसकी झलक तब देखने को मिलती है जब एक बड़ा शेर आकर शान से पानी पीता है बिना किसी धमकी से डरे हुए। हालांकि जिस वक्त से ये शेर पानी पी रहा होता है, उस वक्त सामने से एक बड़े आकार का हिप्पो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन शेर अपनी प्यास पूरी तरह से बुझाने के बाद ही हटने का फैसला करता है। ऐसे में जब शेर के लिए सब कुछ सही जा रहा होता है, तभी अचानक से हिप्पो शेर पर हमला बोल देता है और शेर भाग खड़ा होता है, क्योंकि इस बात का अंदाजा तो शेर को भी है कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और भारी हिप्पो उसे कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।